हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर किचन एंड मेकअप। आज हम बनाएंगे शाही पनीर इस डिफरेंट वे, सो बने रहे वीडियो में। तो हमने ऐसे प्याज को और टमाटर को ना रफली काट लिया है, क्योंकि हमें ये जस्ट फ्राई करने हैं। इसीलिए कढ़ाई में हो गया है तेल गरम, तो हम कढ़ाई में ही ना खाली जो हमने रफली काटे थे ना प्याज और टमाटर, उनको डाल के ऐसे जस्ट फ्राई कर लेंगे। हम इसको कर देंगे ऐसे रफली फ्राई राइस करके। हमने पनीर को भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाता है, हल्का सा करना है हमें। और गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाद में इसको हम पीसेंगे। टमाटर प्याज को ना हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमारा प्याज और टमाटर जो हमने फ्राई किया था वो हो चुका है ठंडा, और हम इसको अभी ग्राइंड पीस लेते हैं। यू कैन सी गाइस, हमने इसको पीस लिया है। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है आपको ना इसका। लेंगे अब हम वही कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने इनको फ्राई किया था, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। बस इतना ना इनफ है। हमारा तेल हो चुका है गरम। हम इसमें ना थोड़ी सी ना 1-2 इंच इसमें डाल देंगे हम दालचीनी, कुछ खड़े में जीरा और हींग डाल दी हमने। हींग जीरे के बाद इसमें डाल दिया है वही वाला पेस्ट जो हमने अभी ठंडा करके उसको किया था ना, पेस्ट बनाया था हमने, वो डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसमें जाएंगे मसाले। अब हमने इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब जाएगा इसमें शाही पनीर मसाला। मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ना शाही पनीर मसाला डाल दिया है। हमें इसको ज़्यादा ना फ्राई नहीं करना, हमें इन बस मसालों को भूनना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पेस्ट ऑलरेडी भुना हुआ था। टमाटर प्याज को हमें भूनना नहीं है, बस मसालों को हमें अच्छे से भूनना है जो हमने अभी डाले हैं। कैन सी ना हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च से क्या होता है ना, थोड़ा सा ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च से ना गाइस। तो आप भी डालें इसके अंदर। आप चाहें आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं टमाटर में, लेकिन अच्छी लगती है ऐसे लंबी लंबी ना। यू ट्राई इट प्लीज। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे मसालों को, टमाटर प्याज को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है, ऑलरेडी भुना हुआ था। अब इसमें डाला है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा लगता है गाइस, टेस्ट में भी, और बहुत अच्छी इसमें फ्रेगनेंस आती है। तो आप इसमें कस्तूरी मेथी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कस्तूरी मेथी डाल दी हमने इसके अंदर। हमने ना इसके अंदर थोड़ा सा ना पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसी जार में हिलाकर जिसमें हमने पेस्ट बनाया था ना, वो थोड़ा सा इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। आप इसको ढक कर ना थोड़ा सा बॉयल लगा लेंगे, 1-2 मतलब 5 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे अच्छे से, जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। बॉयल हुआ, ये देखिए अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है गाइस, देख सकते हैं आप ग्रेवी। तो हम इसमें डाल देंगे पनीर को, फाइनली हम डाल देंगे इसमें पनीर और इसको चला देंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम ना हमको मीडियम ही रखनी है। अब आप देखिए हमने इसमें ना पनीर को भी ऐड कर दिया था गाइस। कैन सी सब्जी का कलर कितना ब्यूटीफुल आया है, आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें 1 बॉयल। यू कैन सी गाइस, हमने 1 बॉयल लगा लिया है और आप देख सकते हैं 1 बॉयल आ गया है और सब्जी का कलर देखिए। यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और सब्जी बनकर हो गई है रेडी। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। सब्जी देखिए, सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी, और हम करेंगे इसको धनिया से गार्निश।
और आप इस पनीर की सब्जी को किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, पूरी के साथ, नान के साथ और प्लेन रोटी के साथ, पराठे के साथ। इट्स सो यमी। आप इस सब्जी को किसी के साथ भी इंजॉय कीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरी तरीके से बनाकर बहुत टेस्टी लगती है।